इस वीडियो में देखने वाला है लोड फैक्टर मतलब क्या है और लोड फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, जितना डिमांड हम ईबी से लिया है उतना डिमांड किलोवाट हम यूज़ करेंगे तो पूरा 100% लोड फैक्टर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 500 किलोवाट डिमांड मैंने ईबी से लिया है। ठीक है, सो 500 किलोवाट में कंटिन्यू चला रहा हूँ 24 आवर्स के लिए। उसका पहले मैंने लोड फैक्टर का फार्मूला बता रहा हूँ। टोटल पावर कंजप्शन 24 आवर्स में कितना पावर कंजप्शन हो KWHO डिवाइडेड बाई पीक डिमांड, पीक लोड हमने कितना लिया 500 किलोवाट। ठीक है, इंटू 24 आवर्स, क्योंकि ये एक दिन का लोड फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए 24 आवर्स लिया है। अगर मंथ करना तो यहाँ पे 24 आवर्स बदल में 24 into 30, क्योंकि 30 डेज है ना, सो 30 into 24 आवर्स, ठीक है, 720 आवर्स। अगर ईयरली करना तो 24 into 365 डेज, ठीक है, सो 8760 आवर्स आ रहा है। ओके, चलिए हम लोग एक दिन का लोड फैक्टर कैलकुलेशन देखता हूँ। ठीक है, सो हम लोग डिमांड कितना 500 किलोवाट। ओके, सो मैंने लोड चला रहा हूँ 500 किलोवाट, कंटिन्यू 500 किलोवाट लोड चल रहा है 24 आवर्स के लिए। इसका पावर कंजप्शन कितना रहेगा, पावर कंजप्शन किलोवाट इंटू टाइम। ओके, सो कितना घंटा है 24 आवर्स, सो 500 into 24 12000। ठीक है, सो इस फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर में कितना KWH कितना है 12000, और नीचे पीक डिमांड कितना 500 किलोवाट 500, कितना आवर्स है 24 आवर्स, सो 12000 divided by 524 12000 ये भी 12000, सो 12000 divided by 12000 1, सो 1 into 100 100% पावर लोड फैक्टर है। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री में तो कंटिन्यू कांस्टेंट लोड नहीं चलेगा, अप डाउन रहेगा, 500 किलोवाट 400 किलोवाट 450 किलोवाट ऐसे अप डाउन रहेगा ना, तो उसका एवरेज एनर्जी मतलब KWH जितना कम आएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 10000 आ रहा है, 10000 divided by 12000 कितना आ रहा है 0.83% बोलेगा तो 83% लोड फैक्टर है। ठीक है, सो हम लोग जब भी ई बी से हम डिमांड मांगेंगे, जो पहले बिल देखेंगे कितना लोड मेरा आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से हम डिमांड कम करके मांगेंगे ई बी से। ठीक है, तभी हमको लोड फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, 85 90 रहेगा तो अच्छा लोड फैक्टर है। ठीक है, 90 के ऊपर होना चाहिए। थैंक यू।